हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रिया और आप देख रहे हो लाइफ स्टाइल अनबॉक्सिंग। आज का पार्सल मीशो से है और मीशो से मंगाया था मैंने पार्टी वियर कुर्ती सेट। तो आइए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि पार्सल कैसे कैसे आए हैं। ये है पहला पार्सल और ये रहा इसका पिक। जल्दी से देखते हैं कि कैसा है। इसका जो प्राइस है वो 730 रुपये है और आप लोग देख सकते हो जैसा पिक में दिखाया था एकदम सेम टू सेम है। इसका नेक बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। ये दुपट्टा है, इसके साथ मिला है मुझे ये पैंट और ये है इसका कुर्ती। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुर्ती की। तो जो इसका मटेरियल है वो सिल्क क्रैप का मटेरियल है और इसके अंदर जो अस्तर दे रखा है वो क्रैप का मटेरियल है। जो इसका साइज़ है वो एम साइज़ है और इसके नेक पे आप लोग देख सकते हो ये लेस लगा हुआ है। भी में नेक है, बैक साइड में राउंड में नेक है। अगर स्लीव की बात करें तो 3/4 में स्लीव है और यहाँ पर ये लेस लगा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ये फर टाइप का लेस लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और बाकी पूरे ही कुर्ती में ये पूरा प्लेन है। साइड में बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये लेस लगा हुआ है और फ्रंट और बैक साइड दोनों ही बॉर्डर में इन्होंने लेस लगा के दिया है। नीचे का बॉर्डर पूरा क्लीन है। ओवरऑल इसका लुक काफी ज्यादा प्रिटी है। बैक साइड में भी पूरा ही प्लेन है। बात करें पैंट की तो जो इसका साइज है वो एम साइज है। इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है। जो इसका मटेरियल है वो सिल्क क्रैप में है और कुर्ती और पैंट का मटेरियल दोनों ही सेम है और इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सिंपल प्लाजो में है और बॉर्डर के यहाँ पे एक ये वी कट में है। बात करें दुपट्टे की तो ये नेट का मटेरियल है और इसके बॉर्डर में कुर्ती के फैब्रिक का उन्होंने लेस बना के दे रखा है और चारों ही बॉर्डर में कुछ इस टाइप का टसल्स लगा हुआ है। जो इसका लेंथ है वो 2 मीटर से ज़्यादा है, 2.5 मीटर इसका लेंथ है। जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा है। ओवरऑल दुपट्टे का मटेरियल वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं जल्दी से वियर करके दिखाती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या इसका लुक होगा और क्या इसका रेटिंग होगा। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है देखने में। ये मैंने वियर करके दिखाया, इसका फ्रंट लुक, इसका बैक साइड का लुक। जो इसका साइज है वो एम साइज है, फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है। कुर्ती और पैंट का मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आप इसका नेक देख सकते हो, भी नेक है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है और इसका स्लिप डिजाइन भी काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर कमी की बात करें तो सबसे बड़ी कमी है आप दुपट्टा। आप देख सकते हो पीक में कोई दूसरा दुपट्टा दिखा रखा है और मुझे कोई दूसरा दुपट्टा रिसीव हो गया है। ऐसा ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा है पर इसका दुपट्टा अलग रिसीव हो गया है। इसी कमी की वजह से मैं इसको 8 दूंगी रेटिंग में और ऐसे प्राइस के हिसाब से ड्रेस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस मुझे दुपट्टा सेम रिसीव होना चाहिए था जो पिक में दिखाया है। ये है नेक्स्ट पार्सल और ये रहा इसका पिक। इसका जो प्राइस है वो 1440 रुपए है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि 1440 रुपए। ये देखिए अब कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। इसमें जो साइज था वो स्मॉल साइज था नहीं तो मैंने इसमें एक्सेल साइज मंगाया था और अब देखिए वाओ बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। ये कुर्ती है, ये दुपट्टा है और ये पैंट है। सबसे पहले हम लोग कुर्ती की बात करते हैं तो आप इसका डिजाइन देख सकते हो कि कितना ज्यादा प्रिटी इसमें वर्क कर रखा है सिक्वेंस और धागे से। जो इसका मटेरियल है वो सिल्क सिफोन का मटेरियल है। बाकी आप इसमें स्लीव देख सकते हो, फुल स्लीव में है और यहाँ पे ये सिक्वेंस और जरी से वर्क कर रखा है दोनों ही स्लीव में। कलर इसका पिंक कलर बहुत ज्यादा शाइन है सिल्क का मटेरियल होने की वजह से। और बैक साइड में आप देख सकते हो पूरा ही प्लेन है, फ्रंट में ही सारा इन्होंने वर्क कर रखा है। ये छोटा छोटा सिक्वेंस से वर्क कर रखा है और ये रहा इसका बॉर्डर। अब देख सकते हो कितना प्रिटी इन्होंने बॉर्डर बना के दिया हुआ है। इसके अंदर जो इन्होंने अस्तर दे रखा है वो क्रैप का अस्तर दे रखा है। बैक साइड में इन्होंने ये डोरी भी दे रखा है, इसमें एक ये टसल्स लगा हुआ है। बात करते हैं पैंट की तो इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है। इसका जो मटेरियल है वो सिल्क सिफोन का मटेरियल है और ये सिंपल प्लाजो में है। बॉर्डर के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कुर्ती के बॉर्डर में इन्होंने वर्क कर रखा था वैसे ही पैंट के बॉर्डर में सेम सिक्वेंस और धागे से वर्क कर रखा है दोनों ही साइड में। और इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं दुपट्टे की तो इसमें आप देख सकते हो कि सिक्वेंस और धागे से बॉर्डर बना रखा है जैसा कुर्ती और पैंट में बना रखा था वैसा ही बॉर्डर है और बॉर्डर ये चारों साइड में दे रखा है। हैवी ड्रेस में ऐसा ही होता है, दुपट्टे में चारों साइड में वर्क करके दे रखा होता है और पूरे ही दुपट्टे में आप देख सकते हो सिक्वेंस और धागे से ये वर्क कर रखा है। काफी
काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसका दुपट्टा दोनों से, मतलब कुर्ती और पैंट से ज्यादा दुपट्टा अच्छा लग रहा है। जो इसका लेंथ है वो 2 मीटर से ज्यादा है, जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर है। बाकी मैं जल्दी से आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसा का लुक होगा और कैसा का रेटिंग होगा। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वियर करके दिखाया है। इसका फ्रंट लुक, इसका बैक साइड का लुक जैसा पिक में दिखाया था वैसा ही रिसीव हुआ है, पर इसका जो साइज है वो XL है, इसलिए मेरे को ये लूज हो रहा है क्योंकि SM कुछ अवेलेबल नहीं था और मेरे को पिक में देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। बात इसके मटेरियल की तो ये सिल्क सिफोन का मटेरियल है, काफी अच्छा मटेरियल है। पैंट और कुर्ती में जो वर्क कर रखा है उसका क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पर दुपट्टे में जो वर्क कर रखा है उसमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा धागा निकल रहा है। और ये 1440 रुपए इसका प्राइस है, वो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा हाई है। इन दो कमियों की वजह से मैं इसको रेटिंग 9 दूंगी। ओवरऑल इसमें कोई भी कमी नहीं है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल ये ड्रेस है। ये है नेक्स्ट पार्सल और ये रहा इसका पिक। इसका जो प्राइस है वो 980 रुपए है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं जैसा पिक में दिखाया है वैसा आया है कि नहीं। ओपन वर्क डिलीवरी है तो बाहर से देखकर पता ही चल रहा है कि सेम टू सेम वैसा है। बाकी आप देखते हैं, ये देखिए इसका नेक, नेक काफी ज्यादा प्रीटी लग रहा है फ्रंट में। ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है, ये दुपट्टा है, ये पैंट है और ये कुर्ती का मटेरियल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुर्ती की। जो इसका साइज है वो S साइज है, जो इसका मटेरियल है वो सिल्क का मटेरियल है, मलाई सिल्क में बहुत ज्यादा सॉफ्ट इसका मटेरियल है। आप इसका नेक देख सकते हो, ये मल्टी कलर में इन्होंने यहाँ पे सिलाई कर रखा है और बीच में ये स्टोन इन्होंने यहाँ पे माला जैसा बना के इसका बॉर्डर बना रखा है। यहाँ पे ये मिरर लगा रखा है, ओवरऑल काफी ज्यादा वर्क करके दे रखा है इन्होंने। और बाकी नीचे आप जो भी देख पा रहे हो ये सब कुछ प्रिंट है, बैक साइड में भी पूरा प्रिंट है। इसके अंदर अस्तर दे रखा है, वो क्रेप का कपड़े का है और जो अस्तर दे रखा है वो कमर तक यहाँ तक ही दे रखा है। अगर स्लिप की बात करें तो ये भी प्रिंट में है और यहाँ पे ये लेस लगा रखा है और कुछ इस टाइप का ये लुक है नीचे तक। बात करें पैंट की तो इसका जो मटेरियल है वो रियॉन है, इसका जो साइज है वो S साइज है, फ्रंट में बेल्ट लगा हुआ है, बैक साइड में इलास्टिक लगा हुआ है और ये पूरा स्ट्रेट प्लाजो है, कहीं पे कोई एम्ब्रॉयडरी या वर्क वगैरह नहीं किया हुआ है। बात करें दुपट्टे की तो इसका जो मटेरियल है वो ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा मटेरियल है और ये पूरा ही प्रिंट किया हुआ है जो भी आप देख पा रहे हो। इसके बॉर्डर में ये लेस लगा हुआ है कुछ इस टाइप का, ये चारों ही साइड में लगा हुआ है। अगर बात करें इसके लेंथ की तो 2 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर से हल्का सा कम है। बाकी मैं आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसा का लुक होगा और कैसा का रेटिंग होगा। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वियर करके दिखाया है। इसका फ्रंट लुक, इसका बैक साइड का लुक। अगर बात करें इसके साइज की तो S साइज है, फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है, स्टिचिंग प्रॉपर हो रखा है, लेंथ में कोई भी कमी नहीं है। इसका नेक आप लोग देख सकते हो, मुझे काफी ज्यादा प्रीटी लग रहा है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। थोड़ा और डीप नेक दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा लगता। बात करें इसके प्रिंट के तो मुझे इसका प्रिंट उतना खास लग नहीं रहा है, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये स्लिप का जो प्रिंट वगैरह है इतना अच्छा नहीं लग रहा। और कुर्ती और पैंट का मटेरियल अलग अलग है जो मुझे कमी लग रहा है, अगर एक ही मटेरियल देते तो ज्यादा अच्छा लगता। बात करें दुपट्टे की तो लुक वाइज तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका प्रिंट वगैरह अच्छा लग रहा है, पर मुझे इसकी चौड़ाई में हल्का सा कमी लग रहा है। इन कमियों की वजह से ही मैं इसको रेटिंग 8 दूंगी। ओवरऑल अच्छा है, आप चाहो तो अपने लिए ले सकते हो और लिंक और कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है नेक्स्ट पार्सल और ये रहा इसका पिक, जल्दी से देखते हैं। इसका जो प्राइस है वो 600 रुपए है और आप देखिए जैसा पिक में दिखाया था उससे भी अच्छा रिसीव हुआ है मेरे को लग रहा है। वाओ, इसका प्रिंट देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा इन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर रखा है। इसका जो साइज है वो M साइज है, मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है, ये दुपट्टा है, ये पैंट है और ये कुर्ती है। सबसे पहले हम लोग कुर्ती की बात करते हैं तो आप लोग इसका एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो, काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। इसका जो साइज है वो M साइज है, जो इसका मटेरियल है वो रियॉन है और फ्रंट में कुछ स्टेप का वर्क कर रखा है पूरे ही कुर्ती में। फ्रंट साइड में ये छोटा छोटा इन्होंने वर्क करके दे रखा है नीचे तक, बैक साइड में पूरा ही प्लेन है, कुछ भी नहीं है बैक साइड में। अगर स्लीव की बात करें तो 3/4 में स्लीव है और पूरा ही सिंपल है। रियॉन का मटेरियल है तो समर में पहनने के लिए तो ये बेस्ट मटेरियल है। बात करें पैंट की तो इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है, जो इसका मटेरियल है वो रियॉन का मटेरियल है। कलर इसका बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, कुर्ती और पैंट दोनों सेम ही कलर के हैं और आप देख सकते हैं पैंट के बॉर्डर में ये वर्क कर रखा है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है।
बात करें दुपट्टे की तो आप देख सकते हो जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम वैसा है। इसमें सीक्वेंस और धागे से वर्क कर रखा है, पूरे ही दुपट्टे में इन्होंने वर्क करके दे रखा है। दुपट्टे के चारों साइड में समोसा लेस लगा हुआ है और चारों साइड में ये चार टसल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। बाकी अगर बात करें इसकी लेंथ की तो 2 मीटर से ज्यादा है और इसकी चौड़ाई 1 मीटर ही है। बाकी मैं जल्दी से आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या इसका लुक होगा, क्या इसकी रेटिंग ड्रेस होगी। तो आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वियर करके दिखाया है। इसका फ्रंट लुक, इसका बैक साइड का लुक, इसका जो साइज है वो एम साइज है, फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है, स्टिचिंग एकदम प्रॉपर हो रखा है। कुर्ती और पैंट का मटेरियल रियॉन है, दुपट्टे का मटेरियल कॉटन पॉलिस्टर मिक्स है और इसका जो वर्क है आप लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा प्रीटी लग रहा है। लेंथ और चौड़ाई एकदम परफेक्ट है। जो कुर्ती की बात करें, फ्रंट में जो एम्ब्रॉयडरी है वो काफी ज्यादा प्रीटी लग रहा है और इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर कमी की बात करें तो कोई भी कमी नहीं है, और अगर रेटिंग की बात करें तो 10/10। नेक्स्ट पार्सल, और ये रहा इसका पिक। इसका जो प्राइस है वो 1430 रुपए है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। पिक में तो देख के बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा है और रियल में आप लोग इसका कलर देख सकते हो। ये देखिए बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है इसका कलर। ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। ये दुपट्टा है, ये पैंट है और ये कुर्ती है, और इसके साथ मिला है ये कुछ लटकन। ये रहा कुर्ती और आप देख सकते हो इसका एम्ब्रॉयडरी। इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है, जो इसका साइज है वो एक्सेल है। बाकी साइज अवेलेबल नहीं था और आप लोग देख सकते हो कि फ्रंट में कितना ज्यादा हेवी एम्ब्रॉयडरी कर रखा है। मटेरियल इसका जॉर्जेट है और ये देखिए आप बॉर्डर बहुत ज्यादा हेवी दे रखा है। जितना पैसा ले रहे उतना हेवी उन्होंने वर्क भी कर रखा है फ्रंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लेस हुआ है भी लगा फ्रंट में, बैक साइड में। बैक साइड में ऊपर से तो पूरा ही प्लेन है, ये देखिए पूरा ही प्लेन है, पर ये यहाँ पे बैक साइड में बॉर्डर दे रखा है जैसा कि फ्रंट में दे रखा है। काफी अच्छी बात है। अगर बात करें स्लिप की तो इसका भी मटेरियल जॉर्जेट है और आप देख सकते हो कितना अच्छा हेवी इन्होंने वर्क करके दे रखा है। स्लिप में भी फुल स्लिप में है ये। इसके नीचे जो अस्तर दे रखा है वो क्रेप का मटेरियल है और फुल लुक ये देखिए आप बहुत ज्यादा प्रिटी है ये। बाकी मैं आप लोग को वियर करके दिखाऊंगी तो आप लोग को लुक का पता चलेगा। ये है इसका पैंट, इसके कमर पे इलास्टिक लगी हुई है। इसका जो मटेरियल है वो क्रेप है और ये सिंपल प्लाजो है, कहीं पे कुछ भी डिजाइन वगैरह नहीं है। बात करें दुपट्टे की तो जो इसका मटेरियल है वो जॉर्जेट है और लंबे साइड के बॉर्डर में आप लोग देख सकते हो जिगजैग पैटर्न में है और कितना प्यारा धागे और सिक्वेंस से वर्क कर रखा है पूरे ही दुपट्टे में। लंबे साइड में ही वर्क कर रखा है और चौड़े साइड में ये लेस लगा के दिया है उन्होंने, और पूरे ही दुपट्टे में सिक्वेंस और धागे से ये फ्लावर जैसा बना हुआ है। बाकी आप इसका कलर देख सकते हो, काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है देखने में। जो इसका लेंथ है दुपट्टे का वो 2 मीटर से ज्यादा है, जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर से ज्यादा है। बाकी मैं जल्दी से आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या इसका लुक होगा, क्या इसकी रेटिंग होगी। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मैंने वियर करके दिखाया है। इसका फ्रंट लुक, इसका बैक साइड का लुक, जो इसका साइज है वो एक्सेल है, इसलिए मेरे को ये बहुत ज्यादा लूज हो रहा है। अगर ये SM में होता तो इसकी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। आप नेक देख सकते हो, काफी ज्यादा डीप इन्होंने नेक दे रखा है और ये पूरा जो वर्क कर रखा है इसमें कहीं कोई धागा नहीं निकल रहा है और बहुत ज्यादा हेवी इन्होंने एम्ब्रॉयडरी दे रखा है। जितना प्राइस ले रहे उतने में इन्होंने भर भर के एम्ब्रॉयडरी भी दे रखा है। स्लीव आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा सा इसमें स्लीव है और कितना अच्छा उन्होंने हेवी यहाँ पे भर करके दे रखा है स्लीव में भी। और दुपट्टा, कुर्ती बहुत ज्यादा हेवी है इसलिए दुपट्टा सिंपल में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल उन्होंने दुपट्टा दे रखा है। लाइन चौड़ाई में कोई कमी नहीं है, मेटेरियल वगैरह सब कुछ अच्छा है। अगर कमी की बात करें तो इस वाले ड्रेस में मुझे कोई भी कमी नहीं लग रहा है। और अगर रेटिंग की बात करें तो 10/10 है। ये फुल ऑफ पार्टी वेयर वेडिंग वेयर ड्रेस है। ये है नेक्स्ट पार्सल और ये रहा इसका पिक। इसका जो प्राइस है वो 1280 रुपए है। बाकी हम लोग ओपन करके देखते हैं कि कैसा मटेरियल वगैरह आया है। इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी पन्नी में आया है और ये देखिए इसका लुक। ये मुझे रिसीव हुआ है 3 पीस में। ये दुपट्टा है, ये पैंट है और ये है इसका कुर्ती। बात करते हैं सबसे पहले कुर्ती की तो जो इसका मटेरियल है वो सिफोन सिल्क है, जैसा पिंक वाले कुर्ती का था सेम टू सेम वैसा ही मटेरियल है। आप देख सकते हो इसका शाइन, फ्रंट में आप लोग देख सकते हो ये धागे और सिक्वेंस से वर्क कर रखा है।
जिस टाइप का वर्क कर रखा है, पर मुझे पर्सनली इसका वर्क उतना ज्यादा खास लग नहीं रहा है। और ये रहा स्लीव, स्लीव में भी छोटा छोटा इन्होंने वर्क करके दे रखा है सिक्वेंसर धागे से। ये रहा इसका स्लीव, इसमें चांद बॉर्डर दे रखा है और कुछ इस टाइप का वर्क कर रखा है। फ्रंट में बाकी कुछ भी नहीं है, ओनली नेक के यहाँ पे ही वर्क कर रखा है और बैक साइड में तो कुछ भी नहीं है, पूरा सिंपल है। बात करते हैं पैंट की, तो कमर के यहाँ पे इलास्टिक दे रखा है। जो उसका साइज है वो एक्सेल है, जो उसका मटेरियल है वो सिफोन सिल्क का मटेरियल है, और इसके नीचे इन्होंने क्रेप का अस्तर दे रखा है। और ये सिंपल प्लाजो है, एकदम सिंपल है, कहीं पे कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है। बात करते हैं दुपट्टे की, तो इसका मटेरियल भी सिफोन सिल्क में है, और आप देख सकते हो इसका दुपट्टा काफी ज्यादा हैवी दे रखा है इन्होंने, कुछ इस टाइप का। ये चौड़े साइड में बॉर्डर बना के दिया हुआ है, दो कलर भी है, और इसमें फर वाला लेस लगा हुआ है चारों ही साइड में। और आप देख सकते हो इसका लुक, ये रहा इसका लुक, कुछ चौड़े बॉर्डर में बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी कर रखा है। जिसका लेंथ है वो 2 मीटर से ज्यादा है, जो उसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर से ज्यादा है। बाकी मैं जल्दी से आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या इसका लुक होगा, क्या इसका रेटिंग होगा। आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वियर करके दिखाया इसका फ्रंट लुक, इसका बैक साइड का लुक। जो उसका साइज है वो एक्सेल है, इसलिए मेरे को लूज हो रहा है, मैंने एडजस्ट कर रखा है, इसलिए फिटिंग जैसा दिख रहा है। इसका जो मेटेरियल है वो सिफोन सिल्क का मेटेरियल है, कुर्ती पैंट दुपट्टा तीनों का ही सेम मेटेरियल है, अस्तर दे रखा है उन्होंने क्रेप का। बाकी स्टिचिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। अगर बात करें दुपट्टे की, पूरा बॉल लग रहा है, लेंथ 2.5 मीटर है, जिसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर से ज्यादा, और वर्क आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा हेवी वर्क कर रखा है। चौड़े साइड में भी बहुत अच्छा वर्क कर रखा है, मतलब दुपट्टा बहुत ज्यादा हेवी भी है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। अगर कमी की बात करें तो नेक के यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी है, इसकी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पर मुझे लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी देख सकते हो कि आप लोगों को उतना लुक वाइज अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा खाली जैसा हो गया, तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा। और कुर्ती का जो लेंथ है वो मुझे कम लग रहा है, ये दोनों कारणों की वजह से मैं इसे रेटिंग 9 दूंगी। नेक्स्ट पार्सल, और ये रहा इसका पिक, इसका जो प्राइस है वो 580 रुपए है। बाकी हम लोग जल्दी से देखते हैं खोल के कि कैसा आया है। ये देखिए आप, ये अलग अलग पन्नी में दे रखा है, इसमें देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये है कुर्ती और इसके साथ मिला है पैंट, और ये मेरे हिसाब से होगा दुपट्टा। हाँ, ये है दुपट्टा। सबसे पहले हम लोग कुर्ती का बात करते हैं, तो जो इसका साइज है वो एम साइज है, जो इसका मटेरियल है वो रेयॉन है, और अब इसका वर्क देख सकते हो जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम वैसा ही है। ये फ्रंट में ही वर्क कर रखा है सिल्वर कलर के धागे से, बैक साइड में पूरा ही प्लेन है। अगर स्लीव की बात करें तो 3/4 में स्लीव है, और यहाँ पे समोसा लेस लगा हुआ है बॉर्डर में, और इसका मटेरियल क्वालिटी वगैरह तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं पैंट की, तो किसके कमर के यहाँ पे पेस्टिंग लगा हुआ है, बैक साइड में इलास्टिक लगा हुआ है। इसका जो मटेरियल है वो रेयॉन है, इसका जो साइज है वो एम साइज है, और ये पूरा सिंपल प्लाजो है, एकदम सिंपल। बात करते हैं दुपट्टे की, तो इसका जो मटेरियल है वो सिल्क है, और इसके चारों साइड में समोसा लेस लगा हुआ है सिल्वर कलर का। बाकी जो इसका लेंथ है वो 2 मीटर से ज्यादा है, जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर है। बाकी मैं जल्दी से आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या इसका लुक होगा और क्या इसकी रेटिंग है। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वियर करके दिखाया इसका फ्रंट लुक, इसका बैक साइड का लुक। इसका कलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो एम्ब्रॉयडरी कर रखा है उसमें कहीं से भी कोई धागा नहीं निकल रहा है। जो इसका साइज है वो एम साइज है, फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है, और नेक का जो ये वाला पोर्शन है ये काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है देखने में। दुपट्टे की बात करें तो लेंथ चौड़ाई परफेक्ट है, जो इसका मेटेरियल है वो रेयॉन है। अगर कमी की बात करें तो कोई भी कमी नहीं है, और रेटिंग की बात करें तो 10/10 है। ये है नेक्स्ट पार्सल, और ये रहा इसका पिक, इसका जो प्राइस है वो 900 रुपये है। बाकी आप लोग देख सकते हो जैसा पिक में दिखाया था वैसे सेम टू सेम दिख रहा है। इसका नेक बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है, ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। ये दुपट्टा है, ये इसका पैंट है, और ये रहा कुर्ती। सबसे पहले बात करते हैं कुर्ती की, तो आप देख सकते हैं इसका नेक बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, सिक्वेंस और धागे से वर्क कर रखा है, बहुत अच्छा है इसका क्वालिटी है। जो इसका साइज है वो एस साइज है, जो इसका मटेरियल है वो सिल्क है, और इसके नीचे क्रेप का अस्तर दे रखा है, जो कि कमर तक ही दे रखा है। और पूरे कुर्ती के फ्रंट साइड में छोटा छोटा फ्लावर पैटर्न में ये डिजाइन बना के रखा है सिक्वेंस और धागे से, मेहरून कलर में है, बैक साइड में पूरा ही प्लेन है। बात करें स्लीव की, तो स्लीव में आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर पे सिक्वेंस धागे से वर्क कर रखा है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये वर्क किया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है देखने में।
बात करते हैं पैंट की, तो कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है। इसका जो मटेरियल है वो सिल्क है और पूरा सिंपल प्लाजो में है, कुछ भी इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है। बात करें दुपट्टे की, तो ये कॉटन बनारसी सिल्क का मटेरियल है। आप देख सकते हो इसके बॉर्डर में गोल्डन कलर के जरी से वर्क कर रखा है, यहाँ पे कुछ हेवी टाइप का वर्क कर रखा है और पूरे ही दुपट्टे में सिक्वेंस और धागे से वर्क कर रखा है। ओवरऑल आप लोग देख सकते हो इसका क्वालिटी, मटेरियल सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं जल्दी से आप लोग को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैस का लुक होगा और कैस की रेटिंग होगी। तो आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वियर करके दिखाया है इसका फ्रंट लुक, इसका बैक साइड का लुक। जो इसका साइज है वो एस साइज है, फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है। इसका जो मेटेरियल है वो सिल्क का मेटेरियल, काफी ज्यादा सॉफ्ट सिल्क का मेटेरियल है। अगर बात करें इसके नेक की, तो इसके एम्ब्रॉयडरी A1 क्वालिटी की, बहुत अच्छा क्वालिटी का उन्होंने वर्क कर रखा है पूरे ही सूट में। दुपट्टा OMG लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ये कॉटन बनारसी सिल्क का मटेरियल है, उसमें जरी से वर्क कर रखा है गोल्डन कलर की जरी से, जो कि काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ चौड़ाई में कोई भी कमी नहीं है। अगर रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, क्योंकि इस वाले ड्रेस में कोई भी कमी नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे कलेक्शन पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा ताकि वीडियो डालते आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मैं लिंक आप लोगों को दे देती हूँ, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो ड्रेस, तो लिंक खुद ब खुद हट जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट हॉल कौन सा देखना है। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिए। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, जल्द मिलते हैं एक नए कलेक्शन और नए हॉल के साथ।